तीन साल की ये मासूम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसने जो काम किया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उसी तरह ये नन्ही बच्ची अपनी माँ के लिए भगवान का रूप बन गई और उसकी जान बचा ली। अब हम आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या है जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा और एक 3 साल की बच्ची मौजूद थे। अचानक महिला बेहोश हो गई। 3 साल की बच्ची माँ की हालत देखकर घबरा गई। जब कोई मदद के लिए आगे आता नहीं दिखा तो ये बच्ची खुद अपनी माँ की मदद के लिए इंतजाम में जुट गई। बच्ची पुलिस के पास पहुंची और अपनी माँ की मदद करने के लिए कहा। पुलिस जब आई तो उन्होंने बेहोश महिला को देखा, पहले उसे जगाने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब वो पेशेंट यहाँ पे आई थी तो वो बेहोश थी और उसके कपड़े वगैरह बहुत गंदे हो रखे थे जी। उसके साथ 2 बच्चे थे, एक तो 1.5 साल का करीब बेटा था उसका और एक 3 साल की बच्ची थी। और वो 3 साल की बच्ची बहुत ही मतलब अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव और सेंसियर भी थी। और उसने खुद अपनी माँ की मतलब हम लोगों ने तो केयर की, साथ में वो भी बच्ची अपनी माँ की केयर कर रही थी। और वो बच्चे यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा हमें भूख लग रही है, तो हम लोगों ने उनके लिए दूध का अरेंजमेंट किया, दूध वगैरह पिलवाया। और फिर उनका हम लोगों ने यहाँ से कपड़े भी अरेंज किए, लेकिन जो पुलिस वाली 2 कांस्टेबल महिलाएँ लाई थी उन्होंने कहा कि इनका बैग हमारे पास है, तो उस बैग को फिर हम लोगों ने मंगवाया उन्हीं की प्रेजेंस में। फिर उसमें से कपड़े वगैरह निकाल के उनके सब चेंज करवाए और बच्चों को खाने के लिए दिया। शाम को बच्चे यहाँ पे आराम से सो गए। फिर जब खाने वाले आए तो उनको खाना दिलवाया, उन्होंने आराम से खाया और बच्चे कह रहे थे कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा, बहुत समय के बाद हमें इतनी अच्छी जगह पर सोने के लिए मिला। आराम से वो सोए और शाम तक उसकी माँ को होश आ गया था, तो मतलब जब भी बच्चे को भूख वगैरह लग रही थी तो वो फीड भी करा रही थी अच्छे से। और उसके बाद रात में वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, सुबह तक बिल्कुल वो सही थी। सुबह वालों ने उसका सारा एड्रेस वगैरह पूछ के सब उसको फिर डिस्चार्ज करवा दिया गया यहाँ से। जानकारी के मुताबिक महिला उत्तराखंड के कलियर शरीफ की रहने वाली है, नाम परवीन है। रेलवे स्टेशन पर लोगों से कुछ मांग कर अपना गुजारा कर रही थी। पति की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। अस्पताल वालों के मुताबिक महिला कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, हालांकि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मासूम बच्ची की जो भूमिका रही उसकी समझदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।